हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में डाइजेशन ऑफ फूड को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को समझना जरूरी है सो so, इसलिए हम इस टॉपिक को समझेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद वी विल डू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच आस्ड इन प्रीवियस ईयर्स ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग नीट सो विदाउट डीले लेट्स गेट स्टार्टेड न्यूट्रिशन नाउ वॉट इज़ न्यूट्रिशन द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑप्टिन सब्सटैंस दैट इज फूड वो प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑप्टिन करते हैं तो उन प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड क्यों चाहिए पहला रीज़न इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फूड क्या करता है बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है बॉडी के मेनटेनंस में हेल्प करेगा दूसरा इट हेल्प्स इन मेकिंग एनर्जी अब हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं ज़्यादातर एक्टिविटी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं तो फूड क्या करेगा फूड एनर्जी बनाएगा और वो सारे एनर्जी यूज़ होंगे बॉडी में एक्टिविटीज़ को करने के लिए थर्ड वन इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ फूड क्या करता है डिजीज़ से प्रोटेक्शन करता है एंड फोर्थ वन इज़ इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज सपोज़ आपके बॉडी में कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो फूड क्या करता है फूड आपके डैमेज टशू को रिपेयर करता है तो ये सब कुछ रीजंस है और भी बहुत सारे रीज़न हैं लेकिन मैंने यहाँ पे बस चार बताए हुए तो इन सब रीज़न की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है तो हम कह सकते हैं कि फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ना न्यूट्रिशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेडोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ा होगा थोड़ा सा हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे अब आप जानते हैं वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटो ऑटो मीन्स सेल्फ इट मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कम अंडर दिस कैटेगरी दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दे आर सेल्फ डिपेंडेंट मीन्स दे मेक देयर ओन फूड मतलब वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं वो कैसे होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं वो अपना खाना अपना फूड खुद बनाते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे बनाते हैं क्या होता है कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स होते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में और ये ऑर्गेनिक मटेरियल फूड होता है मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या इनऑर्गेनिक मटेरियल है और क्या ऑर्गेनिक मटेरियल है अभी आने वाला है आगे ठीक है और ये जो कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल में ये अपने आप नहीं हो रहा है इसमें एनर्जी यूज़ होता है क्लियर है चीज़ तो तो आप देख सकते हो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ एनर्जी अब देखो ऑलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट इज फोटोसिंथिस एंड सेकेंड इज कीमोसिंथिस फोटोसिंथिस का आपने बहुत नाम सुना होगा बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं फोटो सिंथिस के बारे में ठीक है तो फोटो का मतलब क्या होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कैटेगरी में आते हैं वो फूड कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट तो हम यहाँ पे लाइट कौन सी बात कर रहे हैं सनलाइट की बात कर रहे हैं अब ये फोटोसिंथेसिस किस किस ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है आप सब जानते हैं प्लांट सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है प्लांट में क्या होता है कि सी ओ टू प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट दे प्रोड्यूज ग्लूकोज दैट इज सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स ये सी ओ टू कहाँ से आया इन्वामेंट से आया तो सी ओ टू और वाटर क्या है ये इनऑर्गेनिक मटीरियल ही तो है ये ऑर्गेनिक तो है नहीं क्लियर है तो ये इनऑर्गेनिक मटीरियल किस में चेंज हो गया ऑर्गेनिक मटीरियल में अब यहाँ पर ऑर्गेनिक मटीरियल क्या है ग्लूकोज और ग्लूकोज क्या होता है प्लांट का फूड होता है और ये कन्वर्जन जो हुआ किसके प्रेजेंस में हुआ है सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ है ठीक है प्लांट के अलावा और कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है कुछ बैक्टीरिया हैं फॉर एग्जांपल कौन सा बैक्टीरिया पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया तो इनके आप बस नाम याद रख लीजिए कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें फोटोसिंथिस होता है प्लांट के अलावा प्लांट तो बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ना ये सबको पता होता है तो बैक्टीरिया भी होता है जिनमें फोटोसिंथिस हमें देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं कीमोसिंथिस का कीमो मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड सिंथेसिस मतलब आप जानते हो मेकिंग अब वो ऑर्गेनिज्म जो इस कैटेगरी में आते हैं वो कैसे फूड बनाते, है? बनाते हैं वो फूड बनाते हैं विथ द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन अब ये कीमोसिंथिस हमें किस किस ऑर्गेनिजम में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मैंने यहाँ पर एक ही तरह का बैक्टीरिया मैंशन किया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो ये आप नोट कर लो आयरन बैक्टीरिया सल्फर ऑक्राइजिंग बैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं ये कीमोसिंथिस शो करते हैं तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर तो इनमें होता क्या है थोड़ा समझते हैं जैसा कि फोटो में जो इनऑर्गेनिक मटीरियल था वो क्या था सीओटू था और वाटर था है ना सीओ और वाटर तो उसी तरह तो कीमोसिंथिस में भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा क्या होगा तो अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट ये तीन इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है ठीक है तो इनका क्या होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने की वजह से इनमें एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं और फिर उस एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने फूड को बनाने के लिए आई होप इट इज़ क्लियर है जैसे देखो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहे हैं अमोनिया को देखो ऑक्सीडाइज़ कर रहे हैं इसमें ओ टू मॉलिकुल ऐड हो रहा है तो अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एंड दे फॉर्म नाइट्राइट एन ओ टू नेगेटिव ठीक है तो ये जो रिएक्शन हुआ है जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बन गया ये किसने किया याद कर लो इन दोनों ने किया नाइट्रो सोमोनास एंड नाइट्रोकोकस ने किया और देखो इस रिएक्शन में साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रहा है क्लियर है अभी नाइट्राइट बनने के बाद फर्दर ऑक्सीडेशन होगा इसका नाइट्राइट का एंटेफॉर्म नाइट्रेट एन ओ थ्री नेगेटिव और साथ में क्या बन रहा है एनर्जी बन रहा है और ये रिएक्शन किसने किया नाइट्रोबैक्टर ने किया क्लियर है तो ये जो एनर्जी जो आप देख रहे हो ना मैंने यहां लिखा है ई इफ स्टैंड फॉर एनर्जी तो ये जो एनर्जी रिलीज होने के बाद ये क्या करेंगे इस एनर्जी को यूज करेंगे अपने फूड को बनाने के लिए ठीक है ना नेक्स्ट वन इज हाइट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट मतलब दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कम अंडर दिस कैटेगरी दे आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड मतलब कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस कैटेगरी में आते हैं वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए ठीक है अब ऑलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या था उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद बना रहा था लेकिन हेडोट्रॉफिक न्यूट्रीशन में ऐसा नहीं होगा इसमें क्या होगा कि ऑपटेनिंग ऑफ रेडीमेड ऑर्गेनिक न्यूट्रेशन फ्राम द आउटसाइड सोर्स मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस कैटेगरी में आते हैं हेडोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए और उनसे रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड लेते हैं क्लियर है चीज़ अब देखो हैड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम फर्दर फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट इज होलोसाइट न्यूट्रिशन सेकेंड इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन थर्ड वन इज सिम्बायटिक न्यूट्रिशन एंड फोर्थ वन इज पैरासिटिक पैरासिटिक न्यूट्रिशन और आपको पता है कि ह्यूमन्स कौन से कैटेगरी में आते हैं दे आर हेड्रोट्रॉफिक इन नेचर ठीक है हम अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं और उनसे हम बना बनाया ऑर्गेनिक फूड लेते हैं ऐसे ही करते हैं ना और ह्यूमंस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में किस कैटेगरी में आते हैं होलोजैक न्यूट्रिशन में आते हैं तो हम यहाँ पे होलोजैक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम फर्दर फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट इज होलोजेट न्यूट्रिशन सेकेंड इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन थर्ड वन इज सिम्बाइटिक न्यूट्रिशन एंड फोर्थ वन इज प्लासिटिक न्यूट्रिशन सो हम इन न्यूट्रिशन को वन बाई वन डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में ओके okay. तो फर्स्ट वन इज होलोजोक न्यूट्रिशन ये जो होलोजोइ न्यूट्रिशन है ये ह्यूमंस में पाए जाते हैं सो डाइजेशन एंड आब्जॉर्बशन चैप्टर में हम इसी न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में होलोजोइ न्यूट्रिशन में होता क्या है इंजस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मैटर को इंजस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स मैटर को इनटेक करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स मैटर किस फॉर्म में हो सकता है सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है और लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है देन डाइजेस्ट इन साइड द बॉडी अब फूड को इंजस्ट करने के बाद जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा इस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करेगा जिसे हम कहते हैं डाइजेशन यानी जो ब्रेक डाउन जो हो रहा है फूड का वो कहाँ पर हो रहा है इन साइड द बॉडी क्लियर है नेक्स्ट आफ्टर डाइजेशन अब्जॉर्ब्ड इन साइड द बॉडी डाइजेशन होने के बाद मतलब फूड का ब्रेकडाउन होने के बाद ह्यूमन का जो डाइजेसि सिस्टम होगा उसको अब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पर डाइजेसन एंड ऑब्जॉर्बेशन कहाँ पर हो रहा है इनसाइड द बॉडी क्लियर ये चीज़ और होलूस एक न्यूट्रिशन में और क्या क्या होता है हम अगले सेक्शन में बात करेंगे अभी ओके okay? फिलहाल अभी हम इतना रखते हैं नेक्स्ट वन इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस कैटेगरी में आते हैं वो क्या करते हैं फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर हाँ वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं अब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर में क्या क्या है एनिमल एक्सक्रीटा फॉलन लीव्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स इसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया एंड फंगी अब देखो इसमें डाइजेशन कैसे होता है डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या था फूड का डाइजेशन जो हो रहा था वो इनसाइड द बॉडी हो रहा था क्लियर है लेकिन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म उस फूड को बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करेगा मतलब उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ले आएगा बॉडी के बाहर ही ठीक है देन डाइजेशन होने के बाद फिर वो अब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि होलोजो न्यूट्रिशन में डाइजेशन हो रहा है इनसाइड द बॉडी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है फिर अंदर ही ऑब्जॉर्ब हो जा रहा है लेकिन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है बॉडी के बाहर डाइजेशन हो रहा है देन डाइजेशन के बाद वो आब्जॉर्ब कर रहा है क्लियर है ओके okay. जो सेप्रेफाइटिक बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं इनका दो तरह का इफेक्ट हो सकता है मतलब यूजफुल इफेक्ट भी हो सकता है और हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा कि ये फूड को स्पॉइल कर देते हैं ख़राब कर देते हैं दूसरा ये कि फाइबर्स लेदर हाँ वूड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है और यूजफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि जैसे सपोज कोई डेड ऑर्गेनिज़म है ठीक है तो उसको ये डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोज करने की वजह से क्या होगा उस डेड ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सब कहाँ आ जाएंगे वो सारे सॉइल में आ जाएंगे ठीक है तो इसलिए हम इनको डिकम्पोजस ही बोलते हैं क्योंकि ये सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं ये डिकम्पोज करते हैं ये नाउ नेक्स्ट वन इज़ सिम्बायटिक न्यूट्रिशन अब सिम्बायटिक न्यूट्रिशन को हम म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं अब इसमें क्या होता है सपोज करो दो ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म ए एंड ऑर्गेनिज्म बी तो इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म ए जो होगा वो ऑर्गेनिज्म बी को फ़ायदा पहुंचाएगा और ऑर्गेनिज्म बी जो होगा वो ऑर्गेनिज्म ए को फ़ायदा पहुंचाएगा म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन तो वो म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन में रहते हैं यहाँ तक क्लियर है आपको अब इनके एग्जाम्पल्स है सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम सिंगडोमोनास इकोलाय आपको मैं इसको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ जो राइजोबियम और सिंगडोमोनास होते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूप में रहते हैं अब ये लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं जो पल्स प्लांट होते हैं ना हाँ जो मतलब दाल प्रोड्यूस करते हैं ना जो दाल खाते हैं हम अरहर दाल मसूर दाल हाँ जो इन सबके जो प्लांट होते हैं तो इनके रूट्स में पाए जाते हैं अब इनके रूट्स में ये क्या करते हैं ये जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होता है क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होता है क्लियर है तो ये क्या करते हैं ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको रिड्यूस करते हैं किस में रिड्यूस करते हैं अमोनिया में एंड देन प्लांट जो है उस अमोनिया को यूज़ कर लेता है यहाँ तक क्लियर है तो आप देख रहे हो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम और सीडोमोनास ये किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं प्लांट को नाइट्रोजन दिलवा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया तो ये प्लांट का हेल्प कर रहे हैं ना तो बदले में प्लांट क्या इसको देगा प्लांट जो होगा इनको शेल्टर प्रोवाइड करेगा और फूड देगा तो देखो यहाँ पे यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो प्लांट का हेल्प कर रहा है और प्लांट जो है बैक्टीरिया का हेल्प कर रहा है तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्लियर है दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इकोलाय e. जो इकोलाई e. बैक्टीरिया होता है ये ह्यूमन के एलिमेंट्री केनाल में रहता है और ये जो बैक्टीरिया है नॉन पैथोजेनिक होता है नॉन पैथोजेनिक मतलब ये डिजीज कॉज नहीं करता तो ये ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल में एग्जिस्ट करता है इसका काम क्या होता है ये चेक करने में हेल्प करता है कि कोई हार्मफुल प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो ग्रोथ नहीं हो रहा है ह्यूमन के बॉडी में और दूसरा हेल्प ये करता है कि ये वाइटमिन के और वाइटमिन बी ट्वेल्व को प्रोड्यूस करता है और फिर ह्यूमन बॉडी इसको यूज़ करता है और बदले में ह्यूमन बॉडी इनको क्या प्रोवाइड करता है फूड एंड शेल्टर क्लियर है अच्छा एक चीज़ और बताना है आपको ये जो बैक्टीरिया है जिसके बॉडी पे ये रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए उनको हम बोलते हैं होस्ट क्लियर है सिम्बाइटिक न्यूट्रिशन का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है लाइकंस लाइकंस क्या होते हैं लाइकेंस में दो ऑर्गेनिज्म एसोसिएट होते हैं एलगी प्लस फंगी नेक्स्ट वन इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन इसमें क्या होगा इसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा सपोज़ करो दो ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी तो ऑर्गेनिज्म ए जो है अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑर्गेनिज्म बी के बॉडी पर रह रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म बी क्या हो गया उसके लिए होस्ट हो गया तो जो ऑर्गेनिज्म ए है उसको तो फ़ायदा होगा क्योंकि भाई उसके बॉडी में रहकर के वो न्यूट्रिशन ले रहा है लेकिन ऑर्गेनिज्म बी को इसकी वजह से नुकसान होगा उसको तो नुकसान किस टर्म्स में हो सकता है नुकसान ये हो सकता है कि भाई उस ऑर्गेनिज्म बी को डिजीज हो जाए क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म ए जो डिपेंड है उसके बॉडी पे न्यूट्रिशन के लिए वो पैथोजेनिक होता है क्लियर है सो so, पैथोजेनिक इन नेचर इनके एग्जाम्पल है टेपॉर्म एंड लाइस हाँ ये तो आप जानते हो तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट्स कुछ लोग न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं तो आई होप कि न्यूट्रिशन तो क्लियर हो गया आपको है ना अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ऑल दोज केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड वो सारे केमिकल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं फूड में उन सभी केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और न्यूट्रिएंट्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड्स एंड वाइटमिनस आते हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में वाटर एंड मिनरल्स आते हैं ठीक है अब न्यूट्रिएंट्स को हम और भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्वांटिटी सो न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन माइक्रो न्यूट्रींट्स एंड माइक्रो न्यूट्रीनस अब माइक्रो न्यूट्रिय क्या होते हैं वो न्यूट्रेंट जिनका रिक्वायरमेंट लार्ज अमाउंट में होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है जिनका रिक्वायरमेंट लेस अमाउंट में होता है एज़ कंपेरिजन टू माइक्रो माइक्रोन्यूट्रंट में क्या क्या आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड्स हाँ एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आते हैं वाइटमिन मिनरल्स एंड वाटर क्लियर है माइक्रोन्यूट्रेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं मेजर कंपोनेंट होते हैं फूड के फूड के मेजर कंपोनेंट होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं माइनर कंपोनेंट होते हैं फूड के क्योंकि लेस अमाउंट में जो माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं वो क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स ये मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के क्योंकि इन्हीं से एनर्जी बनता है ये और जो माइक्रो होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माइक्रोन्यूट्रेट का कोई रोल नहीं है माइक्रो न्यूट्रेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर माइक्रो न्यूट्रेंट का लेवल हमारे बॉडी में कम हो जाए तो इससे हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं ठीक है बहुत सारी एबनॉमिलिटी हो सकती हैं तो इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और और वाटर जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पहला रोल तो ये हो गया कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये हेल्प करता है और दूसरा इट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन आई होप कि ये न्यूट्रिएंट्स क्लियर हो गया आपको और ये न्यूट्रिशन भी हमारा खत्म हो गया ठीक है नेक्स्ट टॉपिक इज होलोजोइक न्यूट्रिशन नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन में पांच प्रोसेस होते हैं कौन कौन से पांच प्रोसेस इंजेशन डाइजेशन अब्जॉर्ब्शन एसिमुलेशन एंड डिफिकेशन पहला प्रोसेस है इंजेशन सो वॉट इज इंजेशन इंजेशन इज इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटैंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स ठीक है तो इसमें क्या होता है जो हम फूड खाते हैं मैंने आपको बताया जो ह्यूमंस होते हैं वो होलोजेक न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं तो होलोजेक न्यूट्रिशन में जो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं फूड स्टार्टिंग में वो कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में होगा या तो सॉलिड में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा अब उस फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं मैंने आपको बताया पिछले सेक्शन में कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स और ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में होंगे तो हमारा जो बॉडी है इस ओरिजिनल फॉर्म को यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है तो पहले उसे डाउन करना पड़ेगा डाउन करके इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे जिससे कि हमारा बॉडी उसे अब्जॉर्ब कर ले क्लियर है तो इसी प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड इस कॉल्ड डाइजेशन क्लियर है थर्ड वन इज अब्जॉर्बशन अब फूड जो है कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आ गया है ठीक है सिंपल फॉर्म में आ गया कैसे आया ब्रेकडाउन से आया डाइजेशन से आया तो जो एंड में जो सिंपल फॉर्म बना फूड का अब वो सिंपल फॉर्म कहां जाएगा हमारे ब्लड में जाएगा और लिम्फ में जाएगा क्लियर है तो इट इज द प्रोसेस बाय एंड प्रोडक्ट्स तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एंड प्रोडक्ट्स होगा एंड प्रोडक्ट्स मतलब सिंपल फूड जो बना डाइजेशन से वो पास हो जाएगा पास थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ ठीक है तो जो इंटेस्टाइन है इंटेस्टाइन के लिए सबसे अंदर का जो लेयर होता है जब हमने पढ़ा था हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री के अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं तो मैंने बताया था कि सबसे अंदर का जो लेयर होता है वो होता है म्यूकोसा तो इंटेस्टाइन के लिए सबसे अंदर का जो लेयर होता है डेट इज़ कॉल्ड इंटेस्टाइन म्यूकोसा तो डाइजेशन होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स बना सिंपल फूड बना वो कहा जाएगा वो जाएगा ब्लड में एंड लिम्फ में ब्लड ब्लड में और लिम्फ में और ये किसके थ्रू होके जाएगा ये जाएगा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू और फिर ब्लड में जब एक बार आ जाएगा सिंपल फूड तो ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट हमारे बॉडी के सेल्स जहाँ जहाँ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ पहुँच जाएगा एसिमुलेशन अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज अब अब जो सिंपल फूड ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में पहुंचा है अब वो सेल्स जो होंगे उस फूड को उस न्यूट्रिएंट को यूज़ करेंगे अपने एक्टिविटीज़ के लिए क्लियर है डिफिकेशन और इसी को हम कहते हैं इजेशन e भी कहते हैं अब डिफिकेशन क्या होता है अनडाइजेस्ट और अनऑब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस सॉलिडिफाइड इनटू टू फीसेस अब वो जो अनडाइजेस्टेड है जिन फूड का आगे डाइजेशन नहीं हो पाया और अनऑब्जॉर्ब्ड हाँ, जो आगे ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाए वो सॉलिड बन जाएंगे किस में बन जाएंगे सॉलिड फीसेस में एंड देन फीसेस कम आउट थ्रू एनाल ओपनिंग जब एक बार अनडाइजेस्टिड और अनऑब्जॉर्ब सब्सटेंसेस सॉलिड बन जाएंगे फीसेस के फॉर्म में तो फीसेस जो होगा वो एनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफिकेशन और इजेशन और ये जो प्रोसेस होता है ये वॉल्ट्री होता है मतलब ये हमारे कंट्रोल में होता है ये डिफिकेशन प्रोसेस क्लियर है तो ये एक जनरल ओवरव्यू था जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि जो मैंने पढ़ाया इस वीडियो में आपको समझ में आया हो अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं ठीक है नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ई मेल गिवन है तो आप मेल भी कर सकते हैं मैं रिस्पॉन्ड करूँगा आपके क्वेश्चनस का हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें आप ओके थैंक यू